अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर के साथ हमेशा की तरह मैं हूँ सैयदा अरमला हसन। आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, अच्छे होंगे, फिट होंगे, सुबह सुबह उठे होंगे, टीवी ऑन किया होगा। तो हम आपके लिए जनाब इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं। बिल्कुल परेशान ना, टीवी पे आपको कुछ भी आपको चैनल स्विच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अक्सर होता है आप जब सुबह टीवी ऑन करें तब चेंज करके पूरे चैनल देखे होते हैं, किस पे आपको इन्फॉर्मेशन मिले। तो हम आपको इन्फॉर्मेशन देने आए हैं जनाब, और आज की रिसर्च कुछ इंटरेस्टिंग भी है। वो इस तरह से कि जनाब हम अक्सर कहते हैं डिप्रेशन, एनजाइटी, पैनिक, स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें जो हैं जो बहुत नुकसानदेह हैं, और डिप्रेशन को स्पेशली कहते हैं कि जी बहुत नुकसानदेह है। लेकिन आज जी डिप्रेशन का मैं आपको फ़ायदा बताने वाली हूँ। बहुत सारे आपने दुनिया में लोग देखे होंगे जो मशहूर भी हैं, जिन्होंने किसी ना किसी फील्ड में बहुत एक्सेल भी किया है, वो अपने दौर में अपनी लाइफ में हमेशा किसी ना किसी स्ट्रेस, किसी डिप्रेशन का शिकार हैं। तो जनाब और अक्सर तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट करने की भी कोशिश की है, लेकिन उनको अपनी प्रोफेशनल ज़िंदगी में बहुत कामयाब समझा जाता है। एग्जाम्पल दूँ, हॉलीवुड की जो गुलकार है लेडी गागा, उनके बारे में बात की जाए या ड्वेन जॉनसन की बात की जाए, वो भी डिप्रेशन का जो है वो शिकार है, और एतराफ़ भी किया उन्होंने उस बात का कि वो अच्छा खासा अपनी ज़िंदगी के एक बड़े हिस्से में डिप्रेशन का शिकार हैं। जबकि साबिक अमरीकी सदर की बात की जाए इब्राहिम लिंकन की, तो वो उनकी किताब भी हमें बताती है कि उनकी सारी ज़िंदगी जो है वो डिप्रेशन में रही, और हमारे दिमाग में जो जीन मौजूद होता है डिप्रेशन का, वही जो है उसके हवाले से मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो लोग डिप्रेशन में रहते हैं वो बहुत तख्लीकी होते हैं, यानी कि उनकी जो तख्लीकी सलाहियतें होती हैं वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाती है। यानी कि बहुत सारे केसेस में आप देखते हैं कि जब आप गुस्से में हो ना तो आप, या किसी टेंशन में हो, तो बहुत सारे लोग या तो बहुत सुस्त पड़ जाते हैं या बहुत तेज़ी से काम करना शुरू कर देते हैं, और उनकी जो स्किल्स होती हैं वो उस वक्त सामने आती है जब वो किसी डिप्रेशन, परेशानी या किसी में मुब्तला हो ऐसी चीज़ में। तो डिप्रेशन जो है आपकी तख्लीकी सलाहियतों को उभारने में बहुत अहम किरदार अदा करता है, और यही वजह है कि ये फ़ायदा है डिप्रेशन का कि अगर आप डिप्रेशन में हैं, परेशान हैं, स्ट्रेस में हैं, तो आप बहुत सारे केसेस में जो है आपकी जो क्रिएटिव स्किल्स हैं वो बेहतर तौर पर उभर के सामने आती है। अभी जिन लोगों की मैंने बात की, लेडी गागा की बात की, इब्राहिम लिंकन की बात की जाए, तो वो अपनी अपनी प्रोफेशनल ज़िंदगी में बहुत कामयाब है। लेडी गागा के नाम से कौन नहीं वाकई, इब्राहिम लिंकन अमरीकी सदर रहे हैं साबिक, उनकी बुक भी जब लिखी तो उसमें यही कहा गया कि जनाब उन्होंने अपनी ज़िंदगी का जो मेजॉरिटी पोर्शन है वो इसी तरह से डिप्रेशन में गुजार दिया। तो ये आपको बात की जब स्टैटिस्टिक्स की मैं थोड़ी सी शेयर करूँ कि 25% जो लोग होते हैं हमारे घर वो मैक्सिमम तौर पर किसी न किसी दिमागी मर्ज में मुब्तला होते हैं, और डिप्रेशन उनकी कारकर्दगी को बहुत सारे केसेस में मुतासर भी करता है, लेकिन बहुत सारे केसेस में उसके फ़ायदे भी हैं। तो लिहाजा डिप्रेशन के दौरान में कभी कभार ऐसी अलामत भी ज़ाहिर होती हैं जिसको अपनी ज़िंदगी में कामयाब बना सकती हैं, और इस बात का दावा बहुत सारे लोग ये भी करते हैं कि जनाब जब डिप्रेशन होता है तो हम इस तरह से हमारी परफॉर्मेंस होती है कि हम खुद भी हैरान रह जाते हैं। ये कुछ तहकीक हुई कुछ लोगों को, अगर जब हमारी परफॉर्मेंस कुछ इस तरह से हो जाती है कि हम खुद परेशान हो जाते हैं कि हम इतना अच्छे से परफॉर्म कैसे कर पा रहे हैं, हालांकि डीप इनसाइड है उन पर कोई, इनका जब पूरा एग्जामिन किया गया, ऑब्जर्व किया गया, तो वो किसी न किसी डिप्रेशन में मुब्तला थे, तभी तो उनकी स्किल जो है, उनकी जो कारकर्दगी है वो बेहतर तौर पर सामने आए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप अपनी क्रिएटिव स्किल्स को बेहतर तौर पर लाना चाहते हैं सामने तो आप बहुत डिप्रेशन में रहें। डिप्रेशन आपकी सेहत के लिए ओवरऑल वैसे बहुत नुकसानदेह, सिर्फ एक काम की गर्ज से या प्रोफेशनल ज़िंदगी में एक्सेल करने के लिए आप डिप्रेशन में नहीं जा सकते। आपके इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके इस डिप्रेशन से इम्पैक्ट आते हैं, और आजकल हम बार बार रोज़ मेरी कोशिश होती है, कल हमारे पास एक साइकोलॉजिस्ट भी मौजूद थी, वो कहती हैं अब आपके शो में साइकोलॉजिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं। क्योंकि जी हमें लगता है कि अब आजकल के दौर में आपको फिजिकल से ज़्यादा मेंटल हेल्थ की ज़रूरत है, और इस बात की अवेयरनेस देने की ज़रूरत है कि लोगों की मेंटल हेल्थ कितनी मुतासर हो रही है, चाहे वो यंग हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, किसी भी एज ग्रुप के लोग हैं, मेंटल हेल्थ कितनी आपकी अच्छी होनी चाहिए, इस बात का इदराक हमें, मुझे पर्सनली खुद होता है कि हम हमारी जो टेंशन या हमारी एंजाइटीज़ या हमारे डिप्रेशन जो है वो डिफरेंट तरह के हैं, उनके सिनेरियो डिफरेंट हैं। मतलब मुझे नहीं लगता कि मुझसे पहली जनरेशन को भी इस तरह के डिप्रेशन या एंजाइटी का फेस करना पड़ेगा जिस तरह की छोटी छोटी बातों पर मुझे टेंशन होती है। तो ये सारी, और मुझसे आने वाली जनरेशन तो और भी, बच्चों में स्कूल्स में इतना डिप्रेशन पाया जाता है, तो ये सारी चीज़ें मेंटल हेल्थ आपकी फिजिकल हेल्थ से ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर आप मेंटली फिट होंगे तभी आप फिजिकली भी फिट होंगे। तो डिप्रेशन आपने अवॉइड करना है, लेकिन डिप्रेशन का एक फ़ायदा मैंने आपको बता दिया जनाब। ये तो थी आज की हेल्थ की रिसर्च, और इसके साथ साथ जनाब आपके साथ एक और इंटरेस्टिंग रिसर्च भी शेयर करें कि रंगीन धागों से फनपारे बनाने वाली ये खातून है, उनका ताल्लुक है जनाब रूस से है,
और ये कलरफुल थ्रेड्स की मदद से, धागों की मदद से ऐसी पेंटिंग जैसे फनपारे बनाती हैं कि लोगों को गुमान होता है कि इन्होंने पेंट किया हुआ है। तो जनाब वो बिल्कुल हकीकी पेंटिंग की तरह ही आप देख सकती हैं, ये जो पिक्चर है सारे ये थ्रेड्स की मदद से, कलरफुल जो थ्रेड्स हैं उनकी मदद से बनाया गया और आपको ऐसे ही लग रहा है कि पेंट किया गया या 3D आर्ट है, पर एक्चुअल में ये 3D आर्ट नहीं है बल्कि ये धागों के जरिए इतनी बारीकी के साथ और इतनी जो क्रिएटिव स्किल्स हैं उसके तौर पर उन्होंने इसको बनाया है। आप इसको 3D आर्ट भी समझ सकते हैं कि धागों और इसमें उन्होंने कॉटन का इस्तेमाल भी किया, सीनरीज, ग्रीनरीज, ये सारी चीज़ें जो है इन्होंने अपनी इस फनकारों में आर्ट पीसेस में दिखाई हैं। तो ये अक्सर अपने जनाब इंस्टाग्राम पेज पर ये पिक्चर्स भी शेयर करती हैं और लोगों को अपने जो स्किल्स हैं उससे भी मुतारिफ करवाती हैं और इनके बेतहाशा फॉलोअर्स भी हैं इंस्टाग्राम पर। तो रूस से ताल्लुक रखने वाली ये खातून है और ये कपड़े पर मुख्तलिफ कलर्स, कलरफुल से थ्रेड्स की मदद से ये फन पारे बनाती हैं। तो डेफिनेटली एक इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, और देखें बारीकी का कितना काम है। और वही बात, इनको भी कोई ना कोई डिप्रेशन होगा तभी इतने अच्छे से काम करती हैं, लेकिन ये पता नहीं है या नहीं, ये तो मैंने ऐसे ही कह दिया। लेकिन डेफिनेटली अल्लाह ताला जिसको कोई स्किल देता है उससे जिसको जो नवाजता है, और ये इतनी ज़बरदस्त सी एक स्किल थी इन खातून के पास जो हमने आपके साथ शेयर की। जनाब आपकी आज हम बात करने वाले बच्चों के हवाले से, मैं अभी थोड़ी देर पहले ये कहती थी साइकोलॉजिस्ट हमारे शो पर बहुत ज़्यादा आते हैं क्योंकि मुझे लगता है कि बच्चों की, इवन बड़ों की साइकोलॉजिकल हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनमें कार्टून्स का शुमार भी होता है, जहाँ आप बच्चे कार्टून से बहुत कुछ सीखते भी हैं वहाँ उनके लिए कुछ नेगेटिव चीज़ें भी उससे अडाप्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कार्टून्स का क्या इम्पैक्ट है बच्चों के जहनों पर और क्या ये पॉजिटिव रोल भी प्ले करते हैं या सिर्फ नेगेटिव रोल ही प्ले करते हैं, इस पर बात करेंगे। और उसके लिए हमारे साथ मौजूद होंगी डॉक्टर सारा हैदर नकवी जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं। वेलकम करेंगे डॉक्टर सारा, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सबसे पहले तो हम बच्चों के कार्टून देखने की बात करें, बच्चे बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हैं और आजकल तो स्मार्टफोन और ये सारी चीज़ें तो बच्चों की एक्सेस भी है इजीली, वरना हमारे टाइम पे तो एक दो कार्टून होते थे। तो इम्पैक्ट कितना आता है बच्चों पर, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो? इसके देखें दोनों तरह के इम्पैक्ट आते हैं, डिपेंड करता है कि आप लोग क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं। अब ये देखें कि बच्चों का 80% टाइम जो है वो टीवी के आगे गुजरता है, चाहे वो स्मार्टफोन की सूरत में हो, टीवी की सूरत में हो, या लैपटॉप वगैरह गैजेट्स जो इनके हाथ में बड़े ईजिली आजकल अवेलेबल होता। तो अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमारा मीडिया, अपना जो पाकिस्तानी मीडिया है, हमारे टीवी चैनल्स हैं, क्या वो इस तरह का कॉन्टेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं? क्योंकि मैं आपको ये बताऊँ कि क्वालिटी और क्वान्टिटी के दरमियान स्टक हुआ हुआ इस वक्त हमारा मीडिया। क्योंकि जब आप क्वालिटी प्रोडक्शंस की तरफ आते हैं तो उसमें हैवी इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होती है, उसमें क्रिएटिविटी भी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, जबकि रेवेन्यू जो है वो आम एंटरटेनमेंट के मुकाबले में बहुत कम होता है। तो लोग ये सोचते हैं कि फिर जल्दी जल्दी से उन चीज़ों की तरफ जाया जाए, मतलब फिल्म, ड्रामा और फैशन शोज, जिसमें आपको हैवी रेवेन्यू। Exactly. और सारा हमारे लिए बच्चों के लिए कंटेंट बनाया भी बच्चों नहीं जाता। के लिए आप ये देखें कि कोई एक चैनल भी ऐसा नहीं है, इवन निक पाकिस्तान जो है वो भी मोस्टली हिंदी डब जो कार्टून्स हैं वो ही प्रेजेंटेशन आ रही हैं। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही है हमारे बच्चे अगर कार्टून देख भी रहे तो हिंदी डब है और आपके बच्चे अक्सर हिंदी के वर्ड बोल रहे होते हैं घरों में। हिंदी के वर्ड में आपको बताऊँ की अभी नेबर में एक बच्चा जो है वो उससे मेरी बातचीत हो रही थी तो मैंने उससे वैसे ही पूछ लिया कि ये बताएं शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, इसकी ट्रांसलेशन करो, तो मुझे कह रहा था कि वो एक सुंदर लड़की है। इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स हैं, काली साहब का स्वागत करना है। मैंने सपना देखा, मेरे अपने नेफ्यूज और नीसेस ये बोल रहे थे सपना देखा, मतलब इस तरह के वर्ड्स, और आप परेशान होते हो वो सारे कार्टून से अडैप्ट करते। अच्छा नहीं, मैं आपको ये बताऊँ की अब हमारी एज में जब इंसान में मेच्योरिटी आ जाती है तो इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता की आप, क्योंकि एक ग्लोबल विलेज की सूरत तैयार हो चुकी है ये वर्ल्ड, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप बाहर की दुनिया के भी बहुत सारे वर्ड्स को अडॉप्ट करते हैं, लेकिन एटलीस्ट आपके अपने बिलीफ्स, अपने वैल्यूज, अपने कॉन्सेप्ट इतने क्लियर होते हैं आपके अंदर कि आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एंड इट डजंट मैटर। बच्चा तो एक ग्रोइंग एज में, बच्चा जो इस एज में होता है, अब आप ये देखें अप टू 3 ईयर्स उनकी जो लिंग्विस्टिक एबिलिटीज हैं वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी होती है, और जिस किस्म के मैसेज, जिस किस्म के फेशियल जेस्चर, जिस किस्म के स्टाइल आप उनको कन्वे कर रहे हैं थ्रू कार्टून मूवीज, ठीक है, अब वो देखें कि कीमोन और वो छोटा भीम और डोरेमोन, दुनिया का बदतमीज तरीन बच्चा, और बच्चे उसको आइडियलाइज करते हैं, बच्चे उसको अडॉप्ट ना उसने कभी होमवर्क किया है, कुछ भी नहीं किया, और वो बच्चे देखते हैं, ज्यादा उसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, ऑब्सेस्ड हो जाते हैं बच्चे, आपस में उसी नाम से बुलाते हैं, उसी नाम से बुलाते हैं।
तो ये डेफिनेटली अब इसको हम पॉजिटिव तो नहीं कह सकते. अच्छा, मैंने एक दो कार्टून्स देखे हैं जिसमें वो डोरा के कार्टून्स थे, दे आर वेरी गुड. क्योंकि देख रहे हो बच्चे, तो आप उनके साथ देख रहे हो, तो उसमें कुछ चीज़ें सिखा रहे होते हैं. मेरे ख्याल से इस तरह का कंटेंट प्रोड्यूस हमें खुद भी करना है, और बच्चों को किस तरह से सारा इनसे दूर रखना है, क्योंकि अब बच्चे तो कार्टून्स के बगैर गुजारा नहीं है, वो तो खाना भी शर्त पे खाते हैं कि हमें कार्टून देखने देंगे. एग्जैक्टली ऐसे ही है, मैंने वही बताया ना कि 80% टाइम उनका टीवी वॉच करते हुए गुजरता है. अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि हमारी एज में, मुझे अभी तक याद है कि हमारे साथ हमारे बड़े भी इंजॉय किया करते थे, कोशिश ड्रामा आया करता था वो, मुझे अभी तक उसका कैरेक्टर याद है, बरकत के नाम से होता था. इसके अलावा वो अलिफ लैला के, जंबील के, ऐनक वाला जीन कितना पॉपुलर, जो एक प्रॉपर आती थी सीरीज सारा, वो भी हमें याद है. और सिमसिम स्ट्रीट, इवन देखिए उसको जो है वो खुलजा सिमसिम की सूरत में उर्दू वर्जन में हमारी लोकल वैल्यूज और उस कल्चर के मुताबिक उसे वो कर दिया गया था मोल्ड. तो ये बड़ी अच्छी चीज़ होती है कि आप इंटरनेशनल पोएम्स को अपने लोकल सॉन्ग्स में लेकर आते हैं, लोकल वर्जन में लेकर आते हैं, ताकि आप डेडिकेटेड प्रोग्राम कंटेंट दे सकें. तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट होती है. अब ये देखें, अब बहुत सारी चीज़ें हैं एंटरटेनमेंट के हवाले से. मैं मानती हूँ कि पाकिस्तान में जो फिल्म इंडस्ट्री है उसमें तीन बहादुर के नाम से आए थे, ठीक है, इसके अलावा और भी एक दो आए हैं, लेकिन ये बहुत कम है, ये बहुत कम है. जितना बच्चे देखना चाहते हैं उस हवाले से आप उनको कुछ नहीं दे रहे, तो ऑब्वियसली फिर आखिर उन्होंने कुछ तो देखना है. इवन जो हमारे ड्रामास होते हैं या कुछ ऐसे सीरियल्स भी होते हैं, वो सारे जो है वो बड़ों के होते हैं. बच्चों के सीरियल मुझे नहीं याद कि मैंने कभी रिसेंटली उसमें कोई देखा. इस वक्त कोई कंटेंट अवेलेबल है ही नहीं. वही मैं आपको बता रही हूँ कि जो है इस वक्त वो हिंदी या इंडियन वर्जन है जिसको डब किया गया है उर्दू में. और फिर जाहिर है ऑब्वियसली उसका यही इम्पैक्ट आना है कि बच्चे अपनी जो वैल्यूज़ हैं, अपना जो कल्चर है, अपनी जो रिलीजियस हमारे बिलीफ्स हैं, इफेक्ट होते हैं. अच्छा, ओवरऑल साइकोलॉजिकल हेल्थ पर इम्पैक्ट आ रहा है, बच्चों की परफॉर्मेंस भी बहुत इफेक्ट होती है, क्योंकि हर टाइम आप 80% जैसे आप बता रहे हैं कि आपका ज़्यादातर टाइम बच्चों का कार्टून में और चीज़ों पर आता है, तो जो कार्टून करेक्टर्स हैं उनकी पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी, उनके जो अटायर हैं, वो सारी चीज़ें बच्चों के साइकोलॉजिकल उस पर तो असर डालते हैं. अब भी इस वक्त जो इंडियन कार्टून देखते हैं बच्चे, आप देखें कि उसमें इंडियन कल्चर को प्रमोट किया जाता है ज़्यादा, ठीक है, उसमें इंडियन जो वेडिंग स्टाइल है. अब इसमें थोड़ा सा हमें भी देखना चाहिए कि हम इवन अपने शादियों में जो प्रमोशंस करते हैं सॉन्ग्स के, डांस के हवाले से, ड्रेसेस के हवाले से, इवन जो फंक्शंस चार पाँच रखे जाते हैं, ये हमारे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं है. ये ऑब्वियसली आपने इंडिया से ही इंपोर्ट किया है, लेकिन एटलीस्ट बच्चों के लेवल पे थोड़ा सा फोकस करना चाहिए. पेमरा को भी स्टेप्स लेने चाहिए इस हवाले से, और गवर्नमेंट की भी सुपरविजन होनी चाहिए कि हम किस किस्म का कंटेंट दे रहे हैं, क्या ये हमारी रिलीजियस वैल्यूज से रिलीजियस भी चले सारा, लेकिन हमारे जो कल्चरल चीज़ें हैं उनका भी इम्पैक्ट तो डेफिनेटली बच्चे सीखते हैं, दोनों चीज़ें साथ लेकर चलते हैं. तो जब हम मेंटल ग्रोथ की बात करते हैं, तो ये जो बहुत इनिशियल स्टेज होती है जिसमें बच्चे चीज़ें देख रहे हैं और सीख रहे हैं, और जो कार्टून्स के जैसे हम बात करें जो इम्पैक्ट आ रहा है, तो इनिशियली अगर उनके दिमाग में चीज़ें इंडक्ट हो रही है, फिर तो लॉन्गर रन कितना नुकसान होगा इसका. बात वही आ जाती है कि 3 से लेके तो तकरीबन 9-10 साल तक की एज के जो बच्चे हैं, उनकी लर्निंग एबिलिटीज़ सबसे ज़्यादा होती हैं, बहुत शार्प होती हैं, बड़ी तेज़ी के साथ होती हैं, जो आप बाकी लाइफ में उतनी स्पीड के साथ लर्न नहीं करते, ठीक है. एक ब्लैंक प्लेट को जिस तरह का कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा, ऑब्वियसली वही हमेशा के लिए परमानेंट रहेगा, उस पर परमानेंट इम्प्रेशन होते हैं. तो अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि उनकी लैंग्वेज, तो जैसे आप अभी बात कर रही थी, वो इफेक्ट होती ही होती है. इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कल्चरल वैल्यूज़ हैं, बिलीफ्स हैं, क्योंकि आप जब आप दो बातें कर रहे होते हैं, आप उनको घर में जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं कि ये गलत है, जबकि आप उनको जो कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं वो कुछ और एजुकेट कर रहा है, ठीक है. तो इस तरह से वो एक तरह का क्लैश, एक तरह से उनके दरमियान जो है कन्फ्यूजन सी पैदा हो जाती है कि क्या हमारे बड़े ठीक कह रहे हैं या वो चीज़ ठीक है जो हम वहाँ पर वॉच कर रहे हैं. तो अब यहाँ पे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप कुछ डेडिकेटेड कंटेंट उनको प्रोवाइड करें कि जो कुछ आप बता रहे हैं वो उससे मैच करें. अच्छा, बिहेवियर्स पे बहुत इम्पैक्ट आता है, बच्चे जिस तरह का बिहेवियर कार्टून में देखते हैं वही आम जिंदगी में अडॉप्ट करते हैं. बिहेवियर आप देखें, इतने एग्रेसिव, इतने रूड किस्म के कैरेक्टर वहाँ पे जो दिखाए जा रहे हैं, जो पोर्ट्रे कर रहे हैं,
सेम उसी तरह से बच्चे जो हैं बड़ी वजह एग्रेशन की जो आजकल के बच्चों में ये एक मेजर रीजन है। मेरे पास अभी पिछले दिनों एक केस आया कि तकरीबन 5 साल का बच्चा है और उसकी 1.5-2 साल की बहन है और वो उसको जहाँ नज़र आती है उसे मारना शुरू कर देता है। तो जब उसका बैकग्राउंड हमने देखा तो वो जो कार्टून वो देखता है, कार्टून मूवीज, और उनमें जिस किस्म की एग्रेशन दिखाई जाती है, उसके बाद तो फिर यही हो सकता था ना कि बच्चा अपना आउटपुट दे रहा है कि वो अपनी बहन को मार रहा है। बच्चा बड़ों के साथ भी बड़ा रूडली बिहेव कर रहा है, इसमें उसका कसूर नहीं है, उसको आपने जो ब्रेन वॉशिंग की है मीडिया के थ्रू, उसमें यही होना था। तो पेरेंट्स किस तरह से चेक एंड बैलेंस अल्टरनेट, तो हम डेफिनेटली रिकमेंड इस तरह से नहीं कर सकते क्योंकि बच्चों की मेरे ख्याल से अब तो जो इंटरटेनमेंट के ज़राए वो यही रह जाते हैं क्योंकि आप उनको ज़्यादा बाहर खेलने नहीं दे सकते, आप उनके साथ खुद टाइम ही स्पेंड कर सकते क्योंकि टाइम मैनेजमेंट का भी हम अक्सर डिस्कशन करते हैं। तो क्या हो सकता है सारा जो हम रिकमेंड कर सकें कि जो कार्टून का इम्पैक्ट आ रहा है उसको मैक्सिमम हद तक अवॉइड किया जाए? हम एज अ पेरेंट बिजी तो बहुत ज़्यादा हैं कि हमारे पास टाइम नहीं होता है अपने बच्चों के लिए, और फिर हम यही सोचते हैं कि ये एक बड़ा आसान काम है कि बच्चों को टीवी के आगे बिठा दिया जाए तो टाइम गुजर जाएगा। अब ये नहीं मालूम कि वो टीवी के थ्रू क्या क्या कुछ सीख रहे हैं। बिल्कुल। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जब बच्चों के पास अपने लोकल वर्जन में, अपनी लैंग्वेज में देखने के लिए कुछ नहीं होगा, तो देखें हिंदी जो है वो उर्दू से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है और बच्चों को मज़ा वहीं पे आता है, वो उसी चीज़ में एंजॉय करते हैं जो अंडरस्टैंडेबल होता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली उनके लिए सबसे ज़्यादा अप्रोचेबल, सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव हिंदू वर्जन में होंगे जो डब किए जाते हैं। अब यहाँ पे आप उसको किस तरह से इस चीज़ से हटा सकते हैं, इसका एक ही तरीका है, या तो आप उनको खुद पर्सनली इतना टाइम दें उनके साथ, देखें ना कि जो आउटडोर फिजिकल उनकी एक्टिविटीज़ हैं वो भी बहुत लिमिटेड हो चुकी हैं आजकल के हालात में। जब आपने उनको घर में ही रखना है तो फिर घर के अंदर इस तरह की एक्टिविटीज़ को पैदा करने की कोशिश करें जिसमें उनको इन्वॉल्व किया जा सके, अदरवाइज तो फिर यही है कि आपने उनको टीवी के आगे बिठा दिया और टीवी के पास तो इस वक्त यही कुछ है जो चैनल्स हमारे सामने आ रहे हैं। हमारा अपना कोई बच्चों के हवाले से एंटरटेनमेंट चैनल है ही नहीं इस वक्त, मेरा ख्याल है 100 से ज्यादा चैनल्स आ चुके हैं। एग्जैक्टली हालांकि पहले भी होता था, तब इतनी कंस्ट्रक्टिव चीजें आपको देखने को मिलती थी, चैनल एक दो ही होते थे, एसटीएन होता था, पीटीवी हो गया और ये सारे यहाँ पे कार्टून आते थे, लेकिन उसके अलावा हमारे पास वैरायटी भी नहीं थी पर कंटेंट इतना अच्छा था कि हमें इंतजार होता था। आप ये देखें कि हमारे वक्त में एक पीटीवी हुआ करता था, लेकिन पीटीवी ने अपने टाइम को इस तरह से मैनेज किया हुआ था कि सुबह हम लोग जो कार्टून देख के जाते थे उसमें मुझे ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आती कि जो प्रॉब्लमेटिक हो हमारी पर्सनैलिटी के हवाले से, हमारी ग्रूमिंग के हवाले से। इसके अलावा शाम के 4-5 बजे का टाइम हमेशा बच्चों के लिए होता था। जिसमें बहुत अच्छे अच्छे और बड़े प्रोडक्टिव बहुत अच्छे प्रोग्राम आया करते, तो मुझे अब तक याद है। मुझे नहीं लगता कि हमारे बच्चों के अब इस एज में कोई इस हवाले से उनको, आप बच्चों को, मेरा नेफ्यू, मैं उसको दिखा रही थी एनक वाला जिन यूट्यूब पे, मैंने कहा तुम ये वाली सीरीज देखो ये अच्छी है, कहते कितनी ओल्ड फैशनड है, इसमें ग्राफिक्स नहीं है, इसमें ये नहीं है। मैंने कहा भाई हमने लेकिन ये जो है ना जनरेशन टू जनरेशन वो बड़ा स्लो पेस में लगता है। एग्जैक्टली वो उस हवाले से अपडेटेड नहीं है, हमारे हवाले से वो बिल्कुल अपडेटेड है। हमें तो उसमें बल्कि फैंटेसी लगती थी कि ये गायब हो गई आ गए चीजें, लेकिन अब मेरे ख्याल से टेक्नोलॉजी इतने फ्रेंडली हो गए बच्चे कि उनको जब तक कोई इतनी अट्रैक्शन या इतनी कोई अट्रैक्टिव चीज नहीं मिलती, इवन आप पोइम्स अगर उनको पढ़ के सुना रहे हैं दैट इज नॉट अट्रैक्टिव फॉर देम, वो कोशिश करेंगे कि वो राइम्स देखें यूट्यूब पर उससे exactly. और उसमें वो चीज़ें उनके लिए ज़्यादा अच्छी हो जाती है। अच्छा सारा टॉपिक के हवाले से कोई मैसेज आप हमारे देखने वालों को दो ताकि उनको भी आइडिया हो कि किस तरह से अपने बच्चों पे चेक एंड बैलेंस भी रखना है, जो गैजेट्स का इस्तेमाल है पॉजिटिव वे में कार्टून्स को किया जाए। कुछ ऐसी सीरीज भी हैं, कुछ ऐसे कार्टून्स भी हैं जैसे मैंने डोरा की बात की, देवर गुड, क्या आप उनको बच्चों को दिखाएं कुछ सीखें एवेंजर्स के नाम से जो आई exactly. है। इसके अलावा और भी कुछ इस तरह की हम, मुझे नाम याद नहीं है लेकिन ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है, इस पॉजिटिव स्टेप लिया गया है, लेकिन अभी बहुत काम करने वाला पड़ा है क्योंकि जब हम ये सोचेंगे ना सिर्फ रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिर मेरा ख्याल है कि कुछ इस तरह की चीजें नहीं आएंगी, लेकिन जब हम ये सोचेंगे कि हमने अपनी नेक्स्ट जनरेशन को अपडेट करना है अपने कल्चर, अपने वैल्यूज, अपने बिलीफ के हवाले से,
तो फिर ये बहुत जरूरी काम है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सारा, बहुत शुक्रिया। मैसेज यही था कि कार्टून का डेफिनेटली इम्पैक्ट अच्छा भी होता है, बुरा भी है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बच्चे कार्टून से भी सीखते हैं, लेकिन अगर अच्छा कॉन्टेंट मिलेगा उन्हें देखने को और आपका चेक एंड बैलेंस होगा तो ये चीजें बहुत हद तक बेहतर हो जाएंगी। कार्टून डिस्करेज नहीं किए जाते, लेकिन एक टाइम है, एक चीज है। और उसके अलावा हमारी तो यही रिक्वेस्ट होगी कि बच्चों के लिए भी कुछ डेडिकेटेड चीजें होनी चाहिए कॉन्टेंट में, ताकि वो भी देख सकें। और फिर जो हम शिकायत करते हैं कि हमारे बच्चे हिंदी लैंग्वेज सीख रहे हैं, बिहेवियर्स जो है बड़े डिफरेंट हो रहे हैं, सारी चीजें किसी ना किसी हद तक पॉजिटिव भी हो जाएंगी। अभी का मैसेज यही था, अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और आज हम बात करने वाले हैं पाक भारत टाकरा जो होने वाला है एशिया कप पे, उसके हवाले से। मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए जागो लाहौर।